सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। वो तो सोते में क्या, जागते में भी रुपयों का सपना देखती है, और उसके माँ बाप को उसका नाम रूप नहीं रुपया रखना चाहिए। जमुरे ऊपर की आसमान, आसे पासे की निशान, तेरे तुम चुकी छोड़ के हर भगवान की पूजा, इस देवी के शरण पड़ो, छोड़ के हर भगवान। कहते हैं नाम में क्या रखा है, इंसान को उसके काम से दुनिया पहचानती है। हमारे फिल्म जगत में ढेर सारी हस्तियां आए और चले गए, कुछ लोगों की कहानी पर दुनिया ने आंसू बहाए तो किसी की कहानी सुनकर हंसी रुकी नहीं। एंटरटेनमेंट का व्यापार की दास्तां ही ऐसी है कि मनोरंजन का आस्वाद जरूरी समझा जाता है। आज की कहानी जिस हस्ती पर है उनका असली नाम भी दुनिया नहीं जानती। कोई उन्हें देशमुख कहता है तो कोई भंसाली, कोई उन्हें जैन समझता है या रक्षाकर। शुरू शुरू में हमें भी ये जानकर हैरानी हुई कि फिल्म जगत का ये प्रसिद्ध कॉमेडियन मोहन चोटी के इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं। बाद में पता चला कि गड़बड़ इनके नाम में नहीं, फिल्म जगत के कुछ ठेकेदारों में है। क्योंकि जिनके पास पैसा हो उसके कदमों पर रूढ़िवादी लोग चलते हैं। दोस्तों, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज की कहानी जाने माने हास्य अभिनेता मोहन चोटी जी पर है। मोहन चोटी का असली नाम क्या है, इस पर चर्चा करने से पहले बता दूं कि प्रसिद्ध अभिनेत्री तबस्सुम ने अपने एक वीडियो में बताया था कि वो राजस्थान से भाग कर आए थे, पर शायद ये झूठ है। असल में मोहन चोटी को लेकर सटीक जानकारी 1975 में पब्लिश हुई मायापुरी नामक मैगजीन से मिलती है। क्योंकि मोहन चोटी के सर पर एक चोटी थी, इसीलिए कुछ लोगों ने उन्हें ब्राह्मण समझ लिया और उनका सरनेम देशमुख रख दिया। कुछ लोगों को लगता है कि वे जयपुर से भाग कर आए थे, इसीलिए उन्हें भंसाली भी कहा गया। तो ये है कहानी मोहन चोटी के नाम की। बेशक वे ब्राह्मण मराठी परिवार से ताल्लुक रखते थे, उनका असली नाम था मोहन आत्माराम रक्षाकर। उनके पिताजी आत्माराम पुलिस विभाग में थे। जब मोहन छोटे थे तब से उन्हें नाटक देखने का शौक था, इसीलिए उनका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। ये देख पिताजी बहुत नाराज हो जाते थे, पर फिर भी नटखट मोहन चोटी ने अपने पिता के विरोध जाकर सीधे सीधे एक नाटक में भाग ले लिया। असल में उनके घर के नजदीक रामायण का नाटक चल रहा था। निर्देशक को सीता का किरदार निभाने के लिए कलाकार चाहिए था। मौके का फायदा उठाकर मोहन ने खुद का नाम आगे किया और सफलतापूर्वक किरदार निभाया। ये देख नाटक कंपनी वाले खुश हो गए और उन्हें दूसरे नाटक के लिए भी चुन लिया। पर इस बार मोहन की किस्मत खराब साबित हुई। जब मोहन किरदार में मग्न थे तब उन्होंने देखा कि उनके पिताजी दर्शकों के बीच बैठे हैं और उन्हें गुस्से से देख रहे हैं। ये देखकर मोहन बहुत डर गए और पूरा शो खराब हो गया। इसके बाद मोहन के पिताजी गुस्से में आकर मोहन के साथ निर्देशक को भी चिल्लाने लगे। मोहन के पिताजी निर्देशक को कहने लगे कि मेरे बेटे को बहकाने के लिए मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ये सुनकर निर्देशक डर गया और मोहन चोटी को वहां से निकाल कर घर लाया गया। इस घटना के बाद मोहन चोटी बहुत नाराज हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने घर छोड़ दिया और मुंबई आ गए। इस तरह मोहन चोटी स्कूल से भागे, घर से भागे, नाटक कंपनी से भागे, और जब वो सब मुसीबत से भागकर मुंबई आए तो यहाँ की भागम भाग देखकर उन्हें लगा कि उन्हें जिंदगी भर भागना है, पर पीछे नहीं आगे। और शायद उसी दिन से बड़ी मुसीबत में भी उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मुंबई आकर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उनके पास पैसा, घर, दोस्त इनमें से कुछ भी नहीं था, इसीलिए फुटपाथ को ही उन्होंने अपना संसार बना लिया। खुले आकाश के नीचे रहकर मोहन जी ने जिंदगी की शुरुआत की। मन में बस एक सपना था कि उन्हें फिल्मों में काम करना है। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो अभिनय के लिए बने हैं। जिस फुटपाथ पर वो सोते थे उसके सामने एक फिल्म स्टूडियो था।
जब भी स्टूडियो को भीड़ की जरूरत पड़ती थी तब मोहन चोटी जैसे दूसरे लोग स्टूडियो के अंदर घुस जाते थे। यही जिंदगी का कड़वा सच था जिसे मोहन ने अपना लिया। फुटपाथ पर रहकर उन्हें ये एहसास हुआ कि दुख तो हर जगह है पर हंसी मिलना मुश्किल है। तब से उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए या हालत कोई भी हो, वो अपने आखिरी सांस तक लोगों को हंसाएंगे। उनके इस सोच पर लोग हंसते थे, उनकी चोटी को देखकर मजाक उड़ाया जाता था, पर इसका मोहन के दिल और दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता था। उल्टा वो ये सोचते थे कि उनके बदौलत लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। उनकी हंसी देखकर मोहन भी हंस पड़ते थे और इसीलिए तब से उनका नाम मोहन चोटी हो गया। जिसके सर पर चोटी वो है मोहन चोटी, ये उनके पहचान वाले लोगों का घोष वाक्य हुआ करता था। इंटरव्यू में मोहन चोटी कहते हैं कि जब से उनके नाम के आगे चोटी लगा तब से उनकी किस्मत चमक उठी। दिलीप कुमार के साथ हुआ एक किस्सा उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। मोहन चोटी दादर के रंजीत स्टूडियो के बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा कि दिलीप कुमार की कार गेट के सामने खड़ी है। बिगाड़ होने के कारण कार का इंजन चल नहीं रहा था। ये देखकर मोहन चोटी उस कार को धक्का देने लगे और गाड़ी का इंजन चालू हुआ। इस पर खुश होकर दिलीप कुमार ने गरीब मोहन चोटी को 1 रुपए की नोट दी। 1 रुपए मिलने के बाद मोहन खुश थे, पर थोड़े समय में वो नोट कहीं गुम हो गया। इसे भी किस्मत का खेल समझकर मोहन चोटी ने जाने दिया। कुछ समय के बाद उनकी दोस्ती एक्स्ट्रा आर्टिस्ट प्रोवाइडर से हुई। उनके बदौलत मोहन को फिल्म के शूटिंग में लगने वाले लोगों की भीड़ में खड़े होने का काम मिलने लगा। इस काम से उन्हें चने, मूंगफली और पापड़ भुजिया खाने के लिए कुछ पैसे मिलने लगे थे। इस छोटे से काम को भी मोहन चोटी ने अपना भाग्य समझा और खुश रहने लगे। ये काम करते वक्त वे ब्रेक टाइम में लोगों को हंसाने का काम करते। अलग अलग चेहरे के भाव के कारण उनकी ख्याति बढ़ने लगी। चुटकुले और गुदगुदी पैदा करने की उनकी कला एक कान से दूसरे कान जाने लगी। थोड़े दिनों के बाद दूसरे फिल्मकारों के असिस्टेंट्स को पता चलने लगा कि उनके एक्स्ट्रा एक्टर्स के भीड़ में एक ऐसा कोहिनूर है जिसके बदौलत फिल्म को फायदा हो सकता था। इसीलिए उनकी सबसे पहली लॉटरी 1955 में लगी। सिर्फ और सिर्फ अपने कला और समर्पण के कारण सत्येन बोस ने उन्हें जागृति फिल्म में मौका दिया। इसके बाद वे हम पंछी एक डाल के, बरखा, चलती का नाम गाड़ी, लहरे, धूल का फूल जैसी सुपरहिट फिल्मों में मोहन चोटी लोगों को हंसाते हुए दिखने लगे। फुटपाथ से सफर शुरू करने वाला ये एक्टर 60 के दशक में वे एक लोकप्रिय कलाकार बन गए। अपने मुश्किल दिनों में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर परेशानी को उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार किया और सामना भी किया। उनकी कला और लगन को देखते हुए उनका नाम इस कदर तक बढ़ गया कि वो असरानी जैसे कॉमेडियंस की सूची में आकर बैठ गए। फिल्म जगत में काम करते हुए उनकी शादी शीला नामक स्त्री से हुई जिनसे उन्हें 2 बेटे हुए। उनके 2 बेटों में से हेमंत नाम के बेटे को वो बड़ा हीरो बनाना चाहते थे। अपने बेटे के लिए मोहन ने रास्ता भी बना दिया था, पर अफसोस की बात ये थी कि हेमंत ने अपने पिता का साथ नहीं दिया और किसी लड़की से शादी कर अलग रहने लगे। मोहन चोटी के लिए ये बड़ा झटका था, पर उससे भी पहले उन्हें 2 झटके मिल चुके थे। 1975 और 1977 के साल में उन्होंने 2 फिल्में बनाई। उनमें से हंटर वाली 77 फिल्म थोड़ी बहुत चली। इसके बाद 1977 में मोहन चोटी ने धोती, लोटा और चौपाटी बनाई जो खतरनाक तरीके से फ्लॉप साबित हुई। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि मोहन चोटी एक ऐसे इंसान थे जो बहुत खुश दिखते थे। वे ना सिर्फ पर्दे पर हंसते थे बल्कि आम जीवन में भी हंसमुख थे। उनके मन में बहुत सारा दुख था। फिल्म बनाने के बाद वे कर्जे में घिर गए, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और किस्सा रोटी का ढाबा चोटी का नामक होटल खोला। इसके बाद उन्होंने अन्य छोटे बड़े काम किए, पर इन काम से उनका कर्जा मिटा नहीं और कर्जे के बोझ में आकर 1 फरवरी 1992 को उनका निधन हो गया।
तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।